फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम खत्म कर चुके हैं, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्रेंड देखिए, इस वाले चैप्टर के सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लें, कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2021 में आपको आसानी से सफलता दिला सकते हैं। ज़्यादा समय बचा नहीं है आपके पास, सिर्फ 4 महीने का समय है। 4×30=120 दिन में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन भी करना है, अनसोल्ड क्वेश्चन पेपर भी करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो इसी श्रेणी को हम आगे बढ़ाते हुए कोर्स को दिसंबर तक कंप्लीट करा देंगे। तो चैप्टर नंबर 3 की बात करें वैद्युत धारा की, तो इसमें वैद्युत धारा, धारा घनत्व, गतिशीलता, अनुगमन वेग, विशिष्ट चालकता, कार्बन प्रतिरोध, वैद्युत शक्ति, किलोवाट घंटा, वैद्युत सेल एंड विभव मापी, कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड परीक्षा 2021 में आपके इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, आगे की वीडियोज में पूरे के पूरे 10 चैप्टर को हम बहुत जल्दी कवर करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व कराएंगे, और पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब कुछ आपको बताया। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो फ्रेंड इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए आवेश क्या होता है। आवेश के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में ही। तो देखिए, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ की दर को, यानी आवेश के बहने की दर को, समय के साथ साथ किसी पदार्थ में आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, कितना जा रहा है, तो उस दर को क्या कहते हैं, हम वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को हम किससे, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं फॉर्मूला के थ्रू आपको समझाता हूँ। आई बराबर होता है आवेश के प्रवाह की दर, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करेंगे, दर का मतलब हो गया तो इसका समय का हम भाग दे देंगे, यानी I बराबर क्या हो गया, Q अपॉन T। इस वाले फॉर्मूले से भी आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो, T मतलब समय का भाग लग रहा है तो दर हो गया, आवेश Q आवेश है, तो आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो देखिए, I बराबर Q अपॉन T है, तो Q आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकंड। इसको हम एम्पियर भी बोलते हैं। आपने घरों में आजकल देखा होगा जो भी इक्विपमेंट लगाया जाता है तो उसकी वैल्यू एम्पियर में डायरेक्ट लिखी जाती है। तो कूलाम प्रति सेकंड बोल दो अथवा एम्पियर बोल दो, दोनों की बात एक ही है। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मान लीजिए फॉर्मूला है, अगर इसमें हम टी बराबर 1 सेकंड रख दें तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 1, तो यहाँ से हो जाएगा, यानी आई बराबर आ जाएगा क्या, क्यू आ जाएगा। अब देखिए, इस वाले फॉर्मूले से भी हम वैद्युत धारा की डेफिनेशन किस तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए कोई परिपथ है, उसमें 1 सेकंड के लिए कोई आवेश प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि हमने टी को 1 माना है, तो 1 सेकंड के लिए कोई आवेश प्रवाहित किया जाता है, उसकी वैल्यू होती है वो 1 एम्पियर के बराबर होती है। यानी यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो तो परपथ में वैद्युत धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। तो ये हो गया हमारा वैद्युत धारा। अभी हम समझते हैं वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आप पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल नहीं आता है फ्रेंड, तो आप समझ लीजिए फिजिक्स में आप पर कुछ नहीं आता है। वेरी वेरी सिंपल है, ये आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा, अगर आप आगे किसी कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्रेंड इसका नोट्स आप जरूर बना लेना। चलिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी पदार्थ है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ये आपको पता होगा। कोई भी पदार्थ होगा बहुत सारे परमाणुओं से अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कोई भी दुनिया में जो पदार्थ है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु का मतलब होता है सूक्ष्म कण, यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के कोई भी पदार्थ बनता है। तो अब बात करते हैं परमाणु आखिर होता क्या है। जो परमाणु होता है उसके केंद्र पे, ये मान लीजिए किसी परमाणु का केंद्र है, प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक। और नाभिक हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर, मान लीजिए किसी परमाणु का केंद्र है, वो हमेशा, इसको हम नाभिक बोलते हैं, जिस पर धनावेशित आयन रहता है। और ये नाभिक है इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, मान लीजिए जैसे ये वाली कोई कक्षा है, ठीक है, एक ये वाला ऑर्बिट है कोई, इसको हिंदी में कक्षा बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्बिटल बोलते हैं। इस तरीके से ये कोई बहुत सारी कक्षा हैं,
तो नाभिक का ये परमाणु का ये केंद्र हो गया, यहाँ पर नाभिक रहता है, इसके चारों तरफ इन कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे लगातार घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है। अब देखिए फ्रेंड, इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी परमाणु था, मान लीजिए कोई पत्थर था, ठीक है, ये वाला पत्थर बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर इस तरीके से बना हुआ होगा, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, इनमें से किसी एक परमाणु की बात कर रहे हैं, तो एक परमाणु है उसके केंद्र पर एक नाभिक होता है जिस पर प्लस आयन होता है, यानी धन चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अब देखिए ये जो नाभिक है इसके समीप सबसे वाली ये वाली कक्षा ये है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बना रहता है, कौन से बल के द्वारा, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा, और जो सबसे दूर होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से, यानी इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है, इसका मान कैसा होगा, कम होगा, जो सबसे नजदीक होगा उसका मान अधिक होता है, जो सबसे दूर होता है उसका मान कम होता है। तो क्या होता है, जैसे अगर इस कोई पदार्थ है, ये इस वाले परमाणु से मिलकर बना है, उस वाले पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे या किसी चीज़ से रगड़ेंगे, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में कम आकर्षण बल है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल टूट जाता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के दूसरी वस्तु पर चला जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकलते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन कम बल के द्वारा बना रहता है, वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले टूट करके निकलता है और दूसरी वस्तु पर चला जाता है। फ्रेंड, नेचुरल अवस्था में क्या होता है, सामान्य और ताप दाब पर, सामान्य ताप और दाब की स्थिति में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो सबसे दूर होते हैं, मान ली और कोई कक्षा है, इस वाली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनका नाभिक के साथ आकर्षण बल है बहुत कम होता है और लगभग टूट जाता है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन लगातार अनियमित रूप से घूमते रहते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी चालक होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, जिसे हम सुचालक भी बोलते हैं। इसके पश्चात तांबा आता है, सोना आता है, एल्यूमिनियम, ये सब विद्युत के चालक हैं। धातुओं में विद्युत चालन ऋण आवेश, यानी ये इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो फ्रेंड, ये है विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, जो कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा, अनुगमन वेग क्या होता है।